हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द न्यूक्लियस ऑफ नॉलेज एकेडमी। वी आर इनफाइनाइट। जैसा आपको पता ही है कि हमारा ऑनलाइन फ्री बैच फॉर गो गेटर्स, जिसका नाम है गो गेटर्स अकाउंट असिस्टेंट क्लास फोर्थ के लिए चल रहा है, उसका ये आज नेक्स्ट लेक्चर, जैसे साइंस का लेक्चर है, ये मैं लेक्चर लेके आ गया हूँ। दिस इज़ माई 19th लेक्चर, राइट। 19 लेक्चर है, फिजिक्स कंपोनेंट पूरा हो चुका है, केमिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट ख़त्म है ये अब, और बाकी आपको जैसे पता है 100+ वीडियोस हमारी हो चुकी हैं गो गेटर बैच की। फ्री वीडियोस है, हर एक टॉपिक को हम प्रॉपरली आपको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो बस हमारे साथ जुड़े रहें, आपको कुछ भी और कहीं पे भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको आपको जैसे पता है कि एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है, ठीक। तो आपको अब तैयारी जो है, जितने भी हो सकता है तैयारी करो, जहाँ से भी स्टार्ट करना है करो, बट करो, पर वेट मत करो, राइट। तो चलो फिर आज का लेक्चर है साइंस का, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, राइट। 19th लेक्चर है, इसके पहले स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, पीछे लेक्चर्स आपको ज़रूर ही देखने पड़ेंगे। तो आज जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस का ये अकाउंट असिस्टेंट में सेपरेट एक टॉपिक दिया हुआ था, इसलिए इसके ऊपर मैंने प्रॉपरली पूरा प्रॉपर एक लेक्चर तैयार करा है, ताकि आपका इसमें से हर एक जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाए, निकल जाए, हर एक क्वेश्चन इसमें से निकल जाए, कोई पोर्शन छूटे ना, राइट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, जैसे लास्ट क्लास में मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पढ़ाया था, जिसमें हमारे पास देर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड लिक्विड गैसेज होती हैं हमारी, जो मोस्टली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है हमारी। तो उसी में हमारे पास एक आती है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट का मैं ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ, दे आर लेस, मीन्स कि लीस्ट डेंस होते हैं, और दे आर फ्री टू मूव, ठीक। दे ऑलवेज ट्राई टू एस्केप। अगर इनको कहीं पे भी हमने गैसेस को रखना है, तो इनको हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, अदरवाइज गैसेस को हम कहीं पे भी मीन्स की ज़बरदस्ती नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गैसेस क्या होती है, दे आर मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है कि मूवमेंट, इन मोशन रहती हैं, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, राइट। चलो अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, गैसेस आर लीस्ट डेंस, राइट, मोस्ट मोबाइल पार्टिकल्स ऑफ मेटल इन द गैस स्पेस अपार्ट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर वेरी लूजली पैक्ड, जैसे ये इस तरह से पैक्ड होते हैं, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसिस जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो है, गैसेस ऑक्यूपाई मच ग्रेटर स्पेस सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड। और यही चीज़ आगे की गैसेस को, जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये हमने 3 कंटेनर लिए, ठीक। अब जैसे ये हमारा इसमें सॉलिड आ गया, ये लिक्विड आ गया, बट गैसेस को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा स्पेस ये लेता है एज कम्पेयर टू दिस सॉलिड एंड लिक्विड, राइट। तो इसलिए गैसेस पार्टिकल जो होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड गैसेस आर व्हाट, कंप्रेसिबल। ये लास्ट लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूँ, राइट। आज इसमें हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे वो क्या है, गैसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय 4 प्रॉपर्टीज़, ये इंपॉर्टेंट है। 4 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी रहती है इसमें, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट, राइट। गैसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, 4, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सेपरेट टॉपिक दिया अकाउंट असिस्टेंट में प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, तो प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस मींस इसमें से कुछ भी आ सकता है, राइट। तो क्या बोला जाता है, काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी क्या बोलती है, कि काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ये यूज़ करते हैं हम टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ व्हाट गैस, की गैस का क्या बिहेवियर है, ठीक। तो काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी के देर आर डिफरेंट पॉस्टुलेट्स हैं, सेवरल पॉस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला क्या है, गैसेस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स दैट मूव रैंडमली विद रैपिड वेलोसिटी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी गैसेस की क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तभी ये क्या करेंगे, मूव रैपिडली करेंगे। सेकेंड इसका पॉस्टुलेट्स क्या है, सेकेंड पॉस्टुलेट्स है, गैसेस पार्टिकल्स हैव लिटल अट्रैक्शन फॉर वन अनदर, इनकी जो अट्रैक्शन होती है वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वो क्या होती है, इग्नोर्ड,
इग्नोर मीन्स होती ही नहीं है उसमें, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया जाता है। और थर्ड पार्चुलेट इसका क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज लार्ज कंपेयर टू इट्स साइज, साइज से भी ज़्यादा उनका जो साइज़ होता है उससे भी बहुत ज़्यादा उनका क्या होता है स्पेसिस होती हैं बिटवीन इंटरमोलिकुलर, और देयरफॉर जो वॉल्यूम होता है गैस का वो क्या होता है स्मॉल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैसेज, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। समझ आ गया। अब नेक्स्ट ये पोस्टुलेट्स थे हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। अब नेक्स्ट जो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूल का फोर्थ पोस्टुलेट्स है, हमारे पास इसके पांच पोस्टुलेट्स हैं। तो फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या है कि गैस पार्टिकल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन, ये आपको सारी चीज़ें नोट करनी है, एंड कोलाइड विद ईच अदर एंड कंटेनर फ्रिक्वेंटली। अब अगर हमने जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के, अगर हमने उनको क्या किया होगा एक छोटा सा कंटेनर में रखा होगा, ठीक, वो क्या करेंगे, दे कोलाइड विद ईच अदर, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन मोशन, ठीक है, वो हमेशा क्या रहते हैं मोशन में रहते हैं। सिंपल सी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार विंडो से यहाँ आपका डोर ओपन है, छोटा सा सुराख होगा और वहाँ से लाइट आ रही है, सन की रे ही आ रही है, ठीक है, एक, और उसमें से आपको क्या दिखता है, देर आर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल स्मॉल ऐसे पार्टिकल्स दिखते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, तो वही हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं गैसेस में, और वो क्या कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं, ऐसे मूव कर रहे होते हैं। एंड फिफ्थ पोस्टुलेट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, कि जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतनी ही आपका क्या होगा जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो ज़्यादा होगी, राइट। जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, मैं देखिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतने ही ज़्यादा तेज़ आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जो हैं वो क्या करेंगे मूव। ये पॉइंट नोट कर लेना, इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन आएगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन मैंने बता दिए, इस पे आएगा। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब देखो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, हमारा गैसेस का। अब हम करेंगे कि प्रेशर को हम किस तरह से मेजर करते हैं। तो फर्स्ट जो है प्रेशर इज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ गैसेस, गैसेस की जब आपस में क्या होती हैं कोलिजन होता है, देर इज रिजल्ट, क्या रिजल्ट बनता है, देर इज ए प्रेशर। प्रेशर से क्या होता है, जो आपके गैस के पॉली पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अगर हम उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। तो प्रेशर की जो डेफिनेशन वो क्या है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, मीन्स कि आपके पास ये एरिया छोटा सा और इसके अंदर क्या है, देर आर गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, देर आर एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब हमारा डिपेंड करता है कि इस छोटे से एरिया के ऊपर हम कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, इन गैस मॉलिक्यूलर, इन गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस करने के लिए हम कितना इसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, मीन्स की प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास एरिया आ गया, राइट। नेक्स्ट प्रेशर इज मेजर इन यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये आपने सब नोट करने हैं, आपको यूनिट ऑफ मेजर आ सकते हैं प्रेशर के, इसको हम यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर ATM भी बोलते हैं, MMHG भी बोलते हैं इसको हम, और टॉर भी बोलते हैं। ये तीन जो यूनिट है प्रेशर के, ये नोट डाउन कर लेना, SI यूनिट का प्रेशर का जो होता है वो होता है पास्कल, एंड किलो पास्कल इसका SI यूनिट होता है। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, ऑलरेडी बहुत सारे हम PDF शेयर कर चुके हैं, अब और बहुत सारे हमारे PDF आने वाले हैं। हमारा मोस्टली जितने भी PDFs हैं हम शेयर करने वाले हैं, बस कुछ PDFs हमारे जो हैं पेड है, एक जैसे अकाउंट्स का है, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट PDF आने वाला है अगले हफ्ते में, वो आएगा हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें आपका पूरा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के हर एक टॉपिक को कवर किया होगा, और वो आप जितना
हमने एमसीक्यूज बनाए होंगे, 5000-6000 इतने एमसीक्यूज हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो आप सॉल्व कर लो तो आपका जो अकाउंट असिस्टेंट का 120 मार्क्स का पेपर है, अगर आपने वो पूरा सॉल्व किया होगा 100 प्लस आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे अगर वो प्रॉपरली आप पढ़ोगे, जो हम अभी एमसीक्यूज बनाने वाले हैं। और हमारा एक सिर्फ अकाउंट्स का पेड मटेरियल हो और एक ये होगा, बाकी हम आपको थ्योरी पोर्शन जितना भी रहेगा अकाउंट असिस्टेंट का, चाहे वो क्लास फोर्थ का हो, वो हम आपको फ्री देंगे। जैसे ही कल मैंने आपको रीजनिंग पूरा 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 फ्री मटेरियल टेलीग्राम में डाल दिया हो क्लास फोर्थ का, राइट। तो हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे हमारे ऑलरेडी एन नंबर ऑफ पीडीएस आर देयर, ठीक। वी आर बिलीव इन सर्विंग द ह्यूमैनिटी, तो ये हमारा मेन मकसद है। जैसे हमारा आपको दिख भी रहा है कि वी आर इनफाइनाइट, हम इनफाइनाइट है, हम जितना हेल्प हो सकता हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब हमारी बात आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम जो यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए, वो होता है बैरोमीटर। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, दिस इज़ योर बैरोमीटर, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, दैट इज़ बैरोमीटर, और मर्करी उसमें यूज़ होता है। मर्करी इज़ यूज इन ए बैरोमीटर, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है मर्करी की वो हाई होती है। एट सी लेवल मर्करी स्टैंड्स एट 760 mm अबव इट्स बेस, राइट। नेक्स्ट प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल प्रेजेंट। अब देखो पीछे हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब प्रेशर का भी रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ क्या है पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके हमारे पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे गैस के, उतना ही प्रेशर होगा। जितना ज़्यादा अमाउंट होगा हमारे पास गैसेस का, उतना ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड द वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ जिसको बोला जाता है। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सिंपल पूछते हैं कि बॉयल्स लॉ जो है उसका डेरिवेशन क्या है, ये है डेरिवेशन। बॉयल्स लॉ कहता है कि इसने क्या किया होता है, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट किया होता है। कॉन्स्टेंट क्यों रखा है टेम्परेचर इसने, क्योंकि आपको पता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देर इज इंक्रीज इन द मीन्स कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी ऊपर नीचे होगी। तो इसलिए बॉयल्स लॉ में जो बॉयल्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा, एंड वॉल्यूम ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। सिर्फ ये याद रख लेना कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम होगा हमारे पास, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर की। ये है सिंपल सा रिलेशन इसका, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल सा ये रिलेशन है ये, राइट। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब जैसे हमने यहाँ पे ले लिया प्रेशर, ले लिया P1 और P2, हमने दो यहाँ पे ले लिया, ये एक ले लिया P1, ठीक है, ये P2 हमने ले लिया, टू एटमॉस्फेयर। जब हमने इनको रिलेशन किया तो हमारे पास वॉल्यूम इस तरह से आ गया, जैसे ये V1 है, इस तरह से आ गया, तो ये V1 जो है, V1 यहाँ पे आ गया, P1 यहाँ पे आ गया, और दूसरा जो होगा वो इस तरह से होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, P2 इज इक्वल्स टू V2, ये चीज़ आ जाएगी। तो दिस इज़ योर सिंपल एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ के ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाल दी है। न्यूमेरिकल भी आ सकता है। व्हाट इज़ द न्यू प्रेशर पूछा जाएगा ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डिक्रीज 0.2 लीटर, ये आपके पास वॉल्यूम आ गया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आपको इसमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि प्रेशर क्या दिया है और वॉल्यूम क्या दिया है। देखो चार क्वांटिटी है, चार में से आपको तीन दी होंगी, यू कैन फाइंड द फोर्थ वन, राइट। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया P1 और V1, दिस इज़ योर V1, P1, ये आपका V2 आ गया, और आप P2 इजली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो बाय अप्लाइंग दिस रिलेशन। तो ये सिंपल सा बॉयल लॉ है। नेक्स्ट ये एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, यू हैव टू सॉल्व इट। नेक्स्ट योर रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम, जिसको हम चार्लीज लॉ बोलते हैं। गाइस मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि
क्योंकि आपका सेपरेट टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के जितने भी रिलेशंस है सब कवर किए हैं इस नोट्स में, ठीक है, सब कवर किए हैं। आपको नोट्स चाहिए होंगे तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स चाहिए, पीडीएफ प्रोवाइड, पीडीएफ जो भी है, अगर वहाँ पे कमेंट्स हो गए तो आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। 100+ कमेंट्स हो गए और लाइक्स भी अगर आपके आए अच्छे तो आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम, जिसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। अब चार्ल्स ने क्या किया, चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, बॉयल्स ने किसको कांस्टेंट रखा था, टेम्परेचर को। ये कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि चार्ल्स एंड बॉयल्स लॉ दोनों सेम है, बट डिफरेंस यही आता कि बॉयल्स ने किसको रखा था। सिर्फ बॉयल्स का याद रख लेना, बीटी कर लेना उसको, बीटी मींस कि बॉयल्स ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, और चार्ल्स का सिर्फ रख लेना सीपी, ठीक है। चार्ल्स ने किसको कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया, बाकी क्या होगा। अब हमारे पास क्या बच गया, वॉल्यूम बच गया एंड द टेम्परेचर बच गया। तो इसने बोला जो वॉल्यूम होगा फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसने बोला जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के, इसके बराबर है, राइट। ये है सिंपल सा चार्ल्स का रिलेशन। अब जब हमने लिया वॉल्यूम V1 T1, दूसरा V2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाय है, राइट। V1 upon T1 = V2 upon T2 आएगा। T मस्ट बी इन किस में होना चाहिए, केल्विन में, यूनिट इसका केल्विन में होना चाहिए, ये यहाँ पे हमने बनाया। और ये यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए, सेम जैसे वॉल्यूम ये आ गया, ये आपका टेम्परेचर आ गया, ये टेम्परेचर आ गया, आपको न्यू वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सिंपली बाय अप्लाइंग दिस रिलेशन यू कैन फाइंड द न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस। ये दो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए हैं, यू हैव टू सॉल्व इट, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपको, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और पेपर का लेवल भी बहुत ऊपर होगा, राइट। तो तैयारी करो अच्छे से। अब नेक्स्ट रिलेशन आ गया हमारा गे-लुसेक लॉ। ये रिलेशन बिटवीन हमारा जो है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रहेगा, यहाँ पे प्रेशर रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे टेम्परेचर आएगा, राइट। ये मिस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, ठीक है। गे-लुसेक लॉ जो है वो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में है। तो अब देखो सिस्टमेटिक वे से चल रहा है, हमारे पास तीन क्वांटिटी थी, तीन क्वांटिटी कौन सी थी, एक हमारे पास था टेम्परेचर, दूसरा वॉल्यूम था, और एक प्रेशर था, ये तीन चीज़ थी। अब बॉयल्स ने क्या किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। अब गे-लुसेक जो आ गया उसने क्या बोल दिया, मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहा हूँ। तो गे-लुसेक को आप सिर्फ याद रख लेना GV, कि गे-लुसेक ने क्या बोला, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब जो हमारे पास प्रेशर, अब पीछे क्या बच गया, प्रेशर और हमारा टेम्परेचर बच गया। उसने बोला कि जो प्रेशर है वो हमारा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट क्या होगा, टेम्परेचर होगा। सिंपल सा ये रिलेशन है, बस इतना सा रिलेशन। अब ये आ गया P1 upon T1 = P2 upon T2। आपको ये सिर्फ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी गाइस, भूल जाता है, कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें मोस्टली। और ये नीचे क्या है, एग्जांपल्स आपकी आ गई। सिंपल सा ये रिलेशन है। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो वेपर प्रेशर हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होती है, आपको पता है वाटर्स के हमारे पास जब इवेपोरेशन होती है, वाटर की इवेपोरेशन होती है, वो क्या होता है, हमारे वेपर्स फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। अब उन वेपर के ऊपर वो वेपर्स, अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, सपोज ये कंटेनर है और ऊपर से क्या है, ये सिंपल सा मैं समझा रहा हूँ कि वेपर प्रेशर क्या होता है। दिस इज़ योर, ये नीचे हमारे पास पानी आ गया, वाटर, इसको हम नीचे से क्या कर रहे हैं, ये नीचे से हमने इसको हीट किया, वी आर हीटिंग दिस, और देर इज़ ए व्हाट, बॉयल होगा तो वेपर्स फॉर्मेशन होगी, होगी ना। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो गैसेस फॉर्म होती है वो क्या करती हैं, ऑलवेज देर इज़ ए हाई काइनेटिक एनर्जी इन दैट पार्टिकल्स, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के। अब ये गैसेस जो हैं इस कंटेनर को क्या कर रही हैं, प्रेशर अप्लाई कर रही हैं इसकी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और यही जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वेपर्स इन ए क्लोज कंटेनर, उसको क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर, समझ आ गया, इसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रेशर कंटेन
क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, इन अपॉन कंटेनर लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस दैट पोजेस सफिशिएंट एनर्जी कैन ब्रेक अवे फ्रॉम द सरफेस एंड बिकम्स गैस पार्टिकल्स, वेपर जो बन जाता है। इन ए क्लोज कंटेनर दीज गैस पार्टिकल्स कैन अकमुलेट एंड क्रिएट प्रेशर कॉल्ड वेपर प्रेशर, बोला जाता है इसको। अब वेपर प्रेशर का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वेपर प्रेशर इज डिफाइन एज अ प्रेशर अबव ए लिक्विड इन ए गिवन टेम्परेचर। ये कहाँ पे है? अब देखो ये जो प्रेशर था ये नीचे क्या है, नीचे आपका पानी है, इसके ऊपर है ना वेपर प्रेशर। याद रखना हमेशा प्रेशर अबव द लिक्विड होता है, ये डाउन द लिक्विड नहीं होता है। तो वेपर प्रेशर वेराइज विद ईच लिक्विड एंड इंक्रीज विद टेम्परेचर, याद रख लेना। जो आपका वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर इसके ऊपर रिलेशन पूछ सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है कि जो वाटर है उसका क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद आपका वाटर जो है वो स्टार्ट बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। और अब आपको वेपर प्रेशर में जो बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज़ आती है, जैसे हायर एल्टीट्यूड होता है वहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वहाँ पे, लो होता है। तो वाटर जो है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस से वो क्या होता है, कम होता है। तो याद रखना हायर एल्टीट्यूड पे आपका जो वाटर बॉयल होता है उसको टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हायर एल्टीट्यूड पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मोर देन 100, लेस देन 100 क्या होता है, तो याद रखना लेस देन 100 हमारा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा ठीक है, हाँ गाइस बस यही आपके इम्पोर्टेंट, नहीं अभी है एक और है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब हम तीनों का क्या रिलेशन होता है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, तीनों का हम रिलेशन, अभी हम सिंगल सिंगल कर रहे थे कि तीनों को हमने एक एक बार कांस्टेंट रख दिया, उनको चेंज नहीं किया। बट जब हमारे पास कंबाइंड गैस लॉ होता है इन तीन चीज़ों का, तो वो क्या होता है, ऑल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप कैन बी कम्बाइंड इंटू ए सिंगल रिलेशनशिप, जिसको हम कम्बाइंड गैस लॉ बोला जाता है। तो इसमें सिंपल हमारे पास क्या होता है, ये रिलेशन लिखा है P1V1 upon T1 P2V2 upon T2, ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है, ठीक है, कम्बाइंड गैस लॉ जिसको बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड द मोल्स। वॉल्यूम्स और मोल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जिसको हम एवोगैड्रोस लॉ भी बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा एवोगैड्रोस नंबर जो हमारे पास होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ, वो क्या कहता है कि इसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर को भी कॉन्स्टेंट रखा और प्रेशर को भी कॉन्स्टेंट रखा, इसने दो चीज़ों को कॉन्स्टेंट रखा। देन द वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस जो था, जो हमारे पास फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ जो हमारे पास मोल्स होते हैं वाटर के। आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में हम जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसको हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के साथ, ठीक है। ये इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ ये याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स। तो सिंपल द रिजल्ट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ जो होता है वो क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ये कहता है। ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, हमने क्या किया, टू एटम लिए किसके, हाइड्रोजन के, और हमने क्या किया, टू एटम या जिसको मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है ऑक्सीजन के लिए, जब हमने इनको कंबाइन किया तो ये रिएक्ट हुई, ठीक है। तो हमारे पास फिर से देखो वही बना, यहाँ पे हमने वन मॉलिक्यूल लिया है ऑक्सीजन का, तो हमारे पास क्या बन रहा है, टू मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं किसके, वाटर के बन रहे हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम एसटीपी और मोलर वॉल्यूम। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैंने इसमें प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपकी कोई भी चीज़ ना छूटे, क्वेश्चन कहीं से भी आपको आ सकता है।
अब एसटीपी का क्या मतलब होता है? सिंपल, एसटीपी की फुल फॉर्म भी आ सकती है, एसटीपी फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन द प्रेशर, एसटीपी। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन द प्रेशर क्या करता है, क्या कहता है? इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कंडीशंस होती हैं, देर आर ए सेट ऑफ कंडीशंस जिसको हम चूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करने के लिए, जिसको ये बोला जाता है, ये हमने किया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। जैसे हमने यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस रखा टेम्परेचर, जिसको हम 273 केल्विन बोलते हैं, और हमने प्रेशर क्या रख दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ATM, जिसको 760 mm मिलीमीटर HG भी बोला जाता है। तो इसकी हमने कंडीशन क्या रखी, कि हमने रखा कि अगर हमारे पास कोई भी 1 मोल है किसी भी गैस का, वो क्या करेगा, उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो कितना करेगा, इसका ये फिक्स रखा है कि अगर हमारे पास इतनी गैस होगी उसका जो फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा वो 22.4 लीटर ही रहेगा। ये हमने एक कंडीशन रख दी, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ कोई भी गैस है वो इतना वॉल्यूम जो है वो कंटेन करेगा ही। इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। जैसे ये है मोलर वॉल्यूम ऑफ एसटीपी 24 लीटर, ये देखो 1 मोल ऑफ हीलियम का लिया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का लिया, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और इसका फिक्स वॉल्यूम है, सबका फिक्स वॉल्यूम है, गैसेस आर डिफरेंट बट उनका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स्ड रहा है। तो इसको हम एसटीपी बोला जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है आइडियल गैस लॉ, ये भी बहुत बार आता है, सिंपल रिलेशन पूछा जाता है कि आइडियल गैस लॉ का रिलेशनशिप क्या है। तो आइडियल गैस लॉ का सिर्फ रिलेशनशिप ये है कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, एन किसके बराबर होता है हमारा, इज़ इक्वल्स टू एन आर टी डिवाइडेड बाय पी। ये क्या बोला जाता है, इसमें हमारे पास जो आर है वो क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोला जाता है, एन जो है वो आपके इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, टी इज़ द टेम्परेचर, पी इज़ ए प्रेशर। तो ये सिंपल सा रिलेशनशिप आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं आइडल गैस लॉ, कॉमनली रिटन है इस तरह से लिखते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी बी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, राइट। और ये नीचे एग्जांपल्स मैंने दी हैं, एग्जांपल्स सबके दिए हैं ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करो, राइट। नेक्स्ट आपका है पार्शियल प्रेशर, जिसको डेल्टन्स लॉ भी बोला जाता है। तो डेल्टन क्या कहता है, कि हमारे पास जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है, दैट इज टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज इन ए मिक्सचर, ठीक है। अब जैसे सिंपल सी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसे हमारे पास एक क्लोज बीकर होगा या कुछ भी है, हमारे पास क्लोज बीकर है, इसमें हमारे पास डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, मिक्स होगा, तो हमारे पास इसमें डिफरेंट गैसेस भी जनरेट होगी। अब हर एक गैस का क्या होगा, अपना अपना प्रेशर होगा, सबका अपना अपना प्रेशर होगा ना, और सब अपना प्रेशर अप्लाई करेंगी, और जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। जब इन सब पार्शियल प्रेशर को हम कंबाइन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर। इसमें हमारे पास एक मिक्सचर होगा, तो हर मिक्सचर में जो इंडिविजुअल होंगी गैसेस उनका अपना सब का क्या होगा, अलग अलग प्रेशर होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, मेरा काम था सिर्फ आपको समझाना, वो मैंने आपको समझा दिया कि डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है। सिंपल, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज इन द मिक्सचर, दिस इज योर डेल्टन लॉ। और ये यहाँ पे मैंने इसकी भी एग्जांपल्स आपको रिटर्न करी हुई हैं। तो ये आपका सारा इस नोट्स के लास्ट में मैंने सारे प्रीवियस लेक्चर के लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर था, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब हमारे और लेक्चर तेज़ी से आएंगे, बस आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, हमें भी पता चलना चाहिए। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, अगर आपके इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स आए और कमेंट्स आए तो आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया, अदरवाइज़ PDF नहीं मिलेगा। आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपरली वैसे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।